ब्लास्ट के बाद एजेंसी और दिल्ली पुलिस की टेरर यूनिट और लोकल पुलिस जांच को पूरी तरीके से तेज कर दी है। इस जांच को लेकर अब जल्द खुलासे की कोशिश की जा रही है कि इस ब्लास्ट से जुड़े तमाम एंगल सामने आ सके। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ब्लास्ट के महज कुछ घंटों बाद टेलीग्राम चैनल्स पर इस ब्लास्ट के सीसीटीवी फुटेज और खालिस्तान के समर्थन में लेकर कई ऐसे कंटेंट सामने आए जिसमें ये साबित होता है कि कहीं इसके पीछे खालिस्तानी एंगल तो नहीं है। जस्टिस इंडिया लीग नाम के एक चैनल के सीसीटीवी फुटेज के वायरल होने के बाद उसमें खालिस्तान जिंदाबाद और ये लिखा होना कि जिस तरीके से खालिस्तान से जुड़े लोगों को मारा जा रहा है, उनको टारगेट किया जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि उनमें उनको बेकसूर बताते हुए कि वो लोग, ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी पहुंच से दूर हैं, हम कहीं पर कुछ भी कर सकते हैं। तो इस तरीके की कंटेंट को लेकर ये कवायद लगाया जा रहा है एजेंसी की तरफ से कि कहीं ये खालिस्तानी एंगल तो नहीं हो सकता, क्योंकि जस्टिस इंडिया लीग के टेलीग्राम चैनल के बाद ये वीडियोज सीसीटीवी जो ब्लास्ट का है रोहिणी का, वो पाकिस्तान के कई टेलीग्राम चैनल पर इसको सर्कुलेट किया गया और ये वो चैनल्स है जो पाकिस्तान का ISI जो एजेंसी है वो इस पूरे वीडियो को और इस पूरे चैनल्स को ऑपरेट करता है। ISI टेलीग्राम के कई चैनलों को ऑपरेट करता है जिसमें कश्मीर में जिहाद से लेकर कश्मीर में होने वाले टेरर एक्टिविटीज को भी इस चैनल्स पर सर्कुलेट किया जाता है। जिस तरीके से इस ब्लास्ट के बाद देश की एजेंसी और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस पूरे टेलीग्राम के इस कंटेंट को अपने रडार पे लिया है और ये दावा किया जा रहा है कि इसके पीछे ISI का हाथ हो सकता है और कहीं ना कहीं इसे खालिस्तानी एंगल देने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल ये प्रोपोगंडा है या फिर वाकई इसके पीछे कहीं ना कहीं पाकिस्तान खालिस्तान को समर्थक है, उनका हाथ हो सकता है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर देश की जांच एजेंसी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे वीडियो को और इसके साथ कई कंटेंट को कई ग्रुप में पाकिस्तानी चैनल्स में सर्कुलेट किया गया, उसमें दावा किया गया कि इसके पीछे खालिस्तानी एंगल है, फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही। लेकिन जिस तरीके से खालिस्तानी एंगल सामने आ रहा है उसको लेकर भी जो एक्सपर्ट है या एजेंसी सूत्रों का ये कहना है कि जिस तरीके से पाकिस्तान में BKI यानी कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल जो आतंकी संगठन है, प्रतिबंधित संगठन है, और उसके कई ऐसे आतंकी जो हिंदुस्तान से भागकर इस वक्त पाकिस्तान में बैठे हैं, तो इस पूरे के पीछे क्या इस पूरे नेक्सस का तो हाथ नहीं है। लेकिन जिस तरीके से कंटेंट जो सामने आ रहा है, जो पूरा एक लैंग्वेज और ये पूरा जो पोस्ट सामने आ रहा है, उससे ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसके पीछे ISI और खालिस्तानी कनेक्शन हो सकता है। लेकिन ब्लास्ट को देखकर ये साफ लगाया जा रहा है, अंदाजा लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से ब्लास्ट लो डेंसिटी था और सबसे बड़ी गनीमत की बात है किसी भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ, वहाँ पे मौजूद गाड़ियाँ और कुछ दुकानों की शीशे टूटी है, उससे ये साफ अंदाजा है कि जो बॉम्ब है वो प्लांट किया गया था और इस तरीके से प्लांट किया गया था कि ये सुबह के वक्त एक मैसेज के तौर पर हो, क्योंकि जो रोहिणी का इलाका है वो दिल्ली का वो इलाका है जहाँ पर आमतौर पर जो सोसाइटीज़ या दुकानें हैं, नई दिल्ली या साउथ दिल्ली या साउथ ईस्ट की तरफ वैसे कई जगह जिस तरह से भीड़ भाड़ होता है, रोहिणी की तरफ आमतौर पर वैसा नहीं होता है। कई दुकानें थी जो आमतौर पर खुलती है लेकिन वो दुकानें नहीं खुली। अब जहां इस पूरे मामले को लेकर एजेंसी पूरी तरीके से अलर्ट हो गई है, वहीं दूसरी तरफ खालिस्तानी जो को समर्थन में जिस तरीके से जो कंटेंट और पोस्ट शेयर किया जा रहा है और कहीं ना कहीं इस पूरे पोस्ट को ISI के द्वारा कुछ जो टेलीग्राम चैनल्स को ऑपरेट किया जाता है और वो पूरे उसको हैंडल करते हैं, और ऐसे में ये जो पूरा एक मैसेज सर्कुलेट हो रहा है, कई टेलीग्राम चैनल्स का नाम भी सामने आया है, इसको लेकर एजेंसी अलर्ट हो गई है और इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है।